सोशल मीडिया पर इन दिनों राखी सावंत की शादी की खबरें खूब हिलोरे ले रही हैं। एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड आदिल के साथ एक लंबा समय बिताने के बाद शादी कर ली है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब राखी ने आदिल के साथ शादी के कुछ वीडियो शेयर किए, साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इस वीडियो में दोनों वरमाला पहने नजर आए हैं, साथ ही एक तस्वीर में दोनों के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट नजर आया। हालांकि आदिल से राखी की शादी तो हो गई, यहां तक कि राखी ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया, पर बात तब जाकर अटक गई जब आदिल ने इस शादी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात से राखी बेहद दुखी हो गई थी। कई बार तो वह मीडिया के सामने बिलखते हुए अपने दिल का हाल बता रही थी और अपनी तकदीर को कोसती दिखी। राखी को इस तरह से रोता देख तो हर किसी का दिल पसीज गया, पर आदिल का दिल नहीं पसीजा। तब कपल की टूटती शादी की बागडोर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने संभाल ली। सलमान ने आदिल को समझाया, तब कहीं जाकर आदिल की आंख खुली और उन्होंने राखी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और साथ ही अपनी करनी के लिए राखी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। इस बात का खुलासा खुद राखी और आदिल ने किया। राखी ने बताया कि सलमान ने आदिल को फ़ोन किया था। पेपराजी के साथ बात करते हुए राखी ने कहा, भाई का फ़ोन आया था। भाई के होते हुए ये शादी स्वीकार करने से मना कर सकते हैं क्या? राखी ने कहा, सलमान भाई का फ़ोन आया इनको। भाई है मेरे, सलमान खान का जीजा है ये, उनका दामाद है। वहीं आदिल भी इस बात को मानते हुए कहते हैं कि सलमान खान का उनको फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी है उसे फेस करो, अगर एक्सेप्ट करना है तो कर, नहीं तो डिनाई कर दे, लेकिन जो भी सच है उसे फेस कर। वहीं जब आदिल से पूछा गया कि उन पर किसी का प्रेशर है तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वहीं इस बात पर राखी कहती हैं, जब दूसरों से प्रेशर आता है तो ये कबूल करते हैं, पर बीवी के साथ तो सचमुच कबूल करना चाहिए, मैं तो बीवी हूँ ना। आपको बता दें कि आदिल के स्वीकार करने के बाद राखी बेहद खुश हैं। बट मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मनवा लिया। राखी ने भी माना कि आदिल के कहने पर उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया। खैर, हम तो यही कहेंगे कि राखी और आदिल की ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।